इतनी जल्दी कैसे मैडम पैसा बचा हुआ पिछले पोस्ट के लिए बोलती ऐसा हाय दिस इज सुधा चंद्रन और आप मुझे देख रहे हैं द फायर ब्रांड मैं सोच रही थी मैं फायर हूं भैया यहाँ एक और फायर है जिसका नाम है सिद्धार्थ कनन एंड आई होप आई मीन सो मेनी फॉलोअर्स मैं भी उनकी बहुत जबरदस्त फैन हूं बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप उन्हें जरूर फॉलो करें उनके यूट्यूब चैनल पे गर्ल पावर नारी शक्ति वंडर वुमन सुधा चंद्रन जी एम्पा सुपर लिया रॉक मोनि रॉक पड़ यू नो डोरी <laughs> 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 you know, right? आपको इंडस्ट्री में इतने साल में किसी ने एक छोटी सोच वाली लाइन बोली थी बिहाइंड सीन जो अभी तक आपके जहन में है एक छोटी सोच की लाइन तो मैंने सुनी थी जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थी जी. नाचे मयूरी के बाद एक प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा था कि तुम इस इंडस्ट्री के लायक नहीं हो निकल जाओ इस इंडस्ट्री से थैंक गॉड कि वो सोच पे मैं नहीं चली अगर चलती तो मैं बाहर होती नहीं चली तो आज मैं यहां और क्या है कितने तीस चालीस साल तो हो गए आपके राइट हां पे बैटिंग कर रही हैं आप बैटिंग कर रही फ्रंट बैक वो मुझे नहीं पता बट बैटिंग कर रही नहीं सही बॉल पे चौके मारते हैं सही बॉल को डिफेंड भी करती हैं आप है वो तो सही बात है बट उस वक्त आप कितने साल की थी जब ये लाइन बोला गया था आपको 20 20 साल की नाचे के बाद हाँ कि उसके 20 बाद जब फिल्में नहीं चली तो मुझसे ये कहा गया कि देखो आपकी एक फिल्म चली इसका ये मतलब नहीं है कि तुम यहाँ बहुत बड़ी स्टार बनने आई हो निकल जाओ ये तुम्हारे लिए नहीं है मुझे बहुत बुरा लगा था उस वक्त मैंने डिसाइड किया था कि सुधा भले एक सीरियल करे या एक फिल्म करे बट करके दिखा के जाना ये ना बोले लोग कि भाई तुम एक वन फिल्म वंडर हो छः साल में बिना काम बैठी रही इसी उम्मीद के साथ कि शायद मुझे एक ऐसा रोल मिले और मैं सक्सेसफुल बन जाऊँ। दैट इज़ वाई एम ऑलवेज इंडेटेड टू टेलीविज़न क्योंकि उस दौर पे टेलीविज़न की शुरुआत हो रही थी और मैंने टेलीविजन में एंट्री ली बिकॉज मेरे पास काम नहीं था और आज मैं जो कुछ भी हूँ जिस मुकाम पे हूँ इट्स फॉर द टेलीविज़न थैंक यू टीवी जिंदाबाद बजाओ टीवी के लिए सब लो, सब लोग लोग बैठे हुए टीवी जिंदाबाद था जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेगा ओनली <laughs> एक डेसिबल लोअर आपने बोला सनी पाजी बोलते तो पूरा बिल्डिंग गिर जाता वो सनी पाजी है ना पर आपका स्टाइल भी अनोखा है पर देखिए इतनी कम उम्र में अगर कोई बोल रहा है कि आप इंडस्ट्री में लास्ट नहीं करोगे आप खत्म होने वाले हो उस वक्त इंसान टूट जाता है हालांकि मैं बिलीव करता हूं

आज क्या हुआ और क्या नहीं हुआ क्या लेना है क्या नहीं लेना है और मेरा यही मानना है कि हिंदुस्तान में फ्री एडवाइस बहुत है भाई हम बोलते हमको नहीं चाहिए हमारे पास दिमाग है हम सोचते हैं हमको पता है क्या सही है क्या गलत है तो बाबा हाँ और अब एंड दैट वाज अ टाइम जब मैंने डिसाइड किया कि भैया अब और नहीं मुझे आप लोगों की बातें नहीं सुननी है बट आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं सुनती सबकी हूँ करती अपनी हूँ लेकिन आज इस मुकाम पे आने के बाद मैं थोड़ी डिफेंसिव हो गई थी क्योंकि उस वक्त आई हैड टू टेक अप दिस अप्रोच ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म जिसकी वजह से मैं मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं नेगेटिव रोल्स करती हूं ना तो वो जो अंदर का एक पेंटा फ्रस्ट्रेशन था ना वो ऐसे उभर के निकलता है कि लोग बोलते हैं वाह क्या नेगेटिव करती हैं आप यानी कि आपके दिमाग में वो सारी चीजें जो गलत हुई थी आपके साथ जो आप उस वक्त रिएक्ट नहीं कर पाई वो आपके अंदर दबी हुई है और सही वक्त में आप हर इंसान के अंदर होता है ना सिर्फ मैं सी हम हर कोई अपने आम जिंदगी में भी फेस करते हैं। आज भी मैं देखती हूँ काम से बाहर निकलते हैं तो वो एक होता है कि यार ऐसा कैसे बोल सकता है यार वो मैं तो सही था See, वो एक टिंज ऑफ जो रहता है ना वो बंडल हो हो फूटता है सोनामी की तरह एवरी इंडिविजुअल अब रियल में? पे आपने लिटरली तो हुआ, या तो में तो नहीं कमरे में जाती हूं खुद एनालाइज करती हूँ बोलती हूँ रोती हूँ दैट इज माई बट जब मैं बाहर आती हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ और अपने हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ गुड बैड अगली आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट

उस वक्त कैसे इंसान बाउंस बैक करता है मैंने सुना कि आपके पिताजी ने आपसे शायद कहा था कि यार ऐसे right? जी, जी, ये जो जंग है ना सोलो बैटल मी दैट वाज अ वेरी बिग फैक्टर आई ऑलवेज से यू विन बैटल स्टैंड्स बाय यू बिकॉज मुझे पता था कि अगर मैं गिर भी गई ना तो मुझे गिरने नहीं देंगे I knew my father and my mother would hold me and they would make me stand again and make me walk. So that was that confidence. And I had to prove a point. We middle class family people have no option and my family never gave me an option. Until today I follow it. Either do it or don't do it. Even in my work, I give my hundred percent, then I do it. If I am not able to give my hundred percent, then I don't do it. सो so, उस वक्त भी आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू कम बैक टू डांसिंग स्टेज आई वॉन्ट टू वेयर माई डांसिंग शूज ओनली टू गिव इट बैक टू माई पेरेंट्स उस वक्त मेरे दिल में कोई और कोई इंटेंशन नहीं था दैट वॉज द ड्रीम दैट माई पेरेंट्स हैड नोचर फॉर मी आई वॉन्टेड टू गिव इट बैक टू दैम दिस इज द ओनली गिफ्ट आई कोड गिव बैक टू दैम और आज भी मैं यही बोलती हूं कि वॉट हैव गिवन बैक टू माई पेरेंट्स इज ओनली एन इंटरेस्ट ऑफ वॉट देव इन्वेस्टेड इन मी

You fought I battle. fought the battle और Supreme Court ने एक judgement भी दे दिया सात दिनों में कि आप एक specially challenged person को हाथ नहीं लगा सकते जब तक वो permission ना दे। तो this was a battle that I fought and I had to fight the battle because वो सिर्फ मैं अपने लिए नहीं लड़ रही थी मैं अपने काम के लिए लड़ रही थी and they needed a voice there because I cannot see a senior citizen या फिर specially challenged people why should they go through these hurdles? अरे जब आप पॉलिटिशियंस को अलाउ करते हो तो आप एक आम नागरिक को वो फैसिलिटी क्यों नहीं दे सकते उनकी क्या हुआ क्या गुना किया उन लोगों ने वो सीनियर है क्या वो गुना है क्या वो स्पेशली चैलेंज है क्या वो गुना है अरे आप उनको कुछ तो फैसिलिटी दो मैं बोलती हूं कुछ नहीं एक डिसेंट फ्रिस्किंग का तो वो एक फैसिलिटी दो मीन हाउ डे यू टेल साम्बडी कि आप अपना कैलिपर्स निकालो आप अपना आर्टिफिशियल लिम निकालो और आप स्क्रीनिंग uh, मशीन में डालो हेलो, क्यों हम क्यों करें सो आई हैव टू फाइट दिस बैटल बिकॉज कई बार हर रोज बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट एंड देन ओ इट वॉज यू अरे इट इज मी सो वॉट तो क्या मैं हूं तो आप मुझे फैसिलिटी दे दोगे नहीं चाहिए हमको वो फैसिलिटी जो फैसिलिटी आप सबको दे रहे हो वो फैसिलिटी आप मुझे भी दो दैट्स

जब पेरेंट्स ओके okay थे तो मैं क्यों भागती पेरेंट्स है मैंने बहुत कहानियां सुनी कभी कभार महिलाएं खुद कभी कभार एक दूसरे के लिए खड़ी नहीं होती है होता भी है ऐसे सिचुएशंस भी होता है कभी आपने ऐसे नेगेटिविटी फेस की फ्रॉम महिला ऑनेस्टली सी इट्स नॉट दैट कि औरतें नहीं खड़ी हो सकती है खड़ी हो पाती है कई बार सोशल स्टिगमाज है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमको पता है कि गलत हो रहा है बट एट दैट पॉइंट इट्स बेटर टू कीप क्वाइट एंड नॉट द सिचुएशन कई बार ये सेंसिबिलिटी भी एक औरत की होती है कि अगर आप किसी एक बोलते हैं ना चढ़ते ट्रेन में आप चलते भागते ट्रेन में आप मत कूदो जब तक आपको समझ में नहीं आई कि बात क्या है एंड एज फार एज स्टैंडिंग फॉर अ वन यस जगह जहाँ हमको लगता है कि ये सही है कई बार सेट्स पे भी ये बात होती है कई कई बार ऐसा होता है कि नहीं ये गलत था सो वी स्टैंड फॉर द पर्सन इट्स नॉट दैट कि नो औरत औरत के लिए नहीं खड़ी होती है और हमारी इंडस्ट्री में खास तौर से सिर्फ औरत ही नहीं मर्द भी एक औरत के लिए खड़ा होता है दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर इंडस्ट्री क्या बात नहीं पर कभी कभार मैंने कुछ एक्ट्रेसेस से बात किया है राइट वो कहती थी यार नहीं यार एक टाइम पर स्पेशली अब नहीं मालूम एक टाइम पर बो, बोलते थे कि यार

ठीक चलिए ऑन स्क्रीन तो आप कर ही देती है जो भड़ास निकालना है निकाल ही देती है राइट यस yes. आप मुझे बताओ इतने सालों में आपने इतने लोगों के साथ काम किया है वो कौन सा एक मित्र आपने बनाया एक या दो दोस्त जो आपके कठिन वक्त में भी आपके साथ खड़े हो जाता है या खड़े हो जाती है वो कौन है कोई भी नहीं कोई नहीं मैं हमेशा विश्वास करती हूं कि कठिन वक्त पे मुझसे बेहतर मैं खुद को एनालाइज कोई और नहीं कर सकता आई बिलीव दैट इन द वर्स्ट ऑफ my टाइम्स आई नो myself better बेटर anybody else, and एल्स एंड आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन मैं अपनी जिंदगी की सारी बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करती मेरा सबसे अहम मित्र है मेरा पति जिससे मैं गुड बैड अगली हर चीज़ उसके साथ शेयर करती हूँ बिकॉज ही इज माई हजबेंड सेकेंड ही इज माई बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट और हमने साथ में जिंदगी में स्ट्रगल किया है और उसने तब भी मेरा साथ दिया आज भी मैं मेरा साथ दे रहा है और वो एक ऐसा शख्स है आई एम वेरी ब्लेस टू हैव अ हस्बेंड लाइक हिम ही स्टैंड बाई मी ही स्पीक्स वेरी लिटल बट हिज वन सेंटेंस जजमेंट फिनिशेज इट ऑल एंड ही नेवर गिव इज जजमेंट बिकॉज इस पहले तू सोच अगर तू गलत जा रही है तब मैं इंटरव्यून करूंगा बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट डोंट गेट कन्फ्यूज हैव दैट क्लैरिटी इफ यू आर राइट नथिंग टू फियर

जब मुझे सब कुछ यहां मिल रहा है तो मैं क्यों इंतजार करूंगी एक अननोन चीज के लिए मैं इंतजार क्यों करूंगी अब चालीस साल में इस इंडस्ट्री में रही हूं जिसको ऑफर करना था ऑफर करता ना एक माला माल वीकली जो सुपर हिट हुई है अगर उसके बाद भी मुझे फिल्म नहीं मिली है तो क्यों आपको क्या लगता है कि कभी कभार वापस मैं ऐसे बातें सुनता हूं दंके की चोट कि यार ये ज्यादा एक ओवर एक्सपोज हो चुकी हैं टेलीविजन में तो फिल्मों में नहीं दिखना चाहिए हालांकि अब थोड़ा बदल रहा है वो सोच ऐसा आपने भी सोचा हो अगर वो सोच बदल रही है तो फिर मैं भी इंतजार करूंगी पर ये आपने पहले सुनी है ये बात कि अरे आप बहुत दिख चुकी है टीवी में यार आपको फिल्मों में नहीं ले सकते ये आपने सुना अरे हम तो एक्टर है हम दिखने के लिए तो आए हैं जो दिखता है वो बिकता है सिंपल सी बात है तो किस उम्मीद पर हम बैठे रहेंगे कि आप हमको फिल्म देंगे और अगर आपने नहीं फिल्म दी तो हमारा घर कैसे चलेगा भाई हमारे भी तो कुछ इन्वेस्टमेंट्स है हम भी एक कलाकार है अंदर एक कलाकार का एक जो एक कीड़ा है वो हम कहाँ पर दिखाएंगे आप इतनी वेल well कनेक्टेड है आप लोगों को जानती है आप बिंदास लोगों से बातें करती है आप तो टाइगर्स खुद हैं एक आप कभी फोन करके किसी को पूछती नहीं है कि यार अच्छा ठीक है मुझे आपसे काम करना है क्यों नहीं हो रहा ऐसे करते हो कि नहीं मौका ही नहीं मिला काम मिलता गया टेलीविजन में

एक महिला जिन्होंने आपको आपको लाइफ में इंस्पायर किया माय मदर। क्यों? कैसे? She was a woman of strength. तो uh, मैं यही कहती कि जब आपकी माँ आपको सही, like नारी शक्ति। आज we are talking about women's emancipation की बहुत मॉडर्न हो गई है। मेरी माँ तो तब की थी तब भी वो बहुत स्ट्रांग थी लाइक like अगर जो मैं कैरेक्टर कर रही हूँ कैलाशी देवी मैं अपनी माँ को बहुत आइडेंटिफाई करती हूँ उस कैरेक्टर में क्योंकि वो जो भी बोलती थी

मैं मर जावा आपके पति को मालूम है ये सब पता है अच्छा मालूम है हाँ रात को जब मैं दो बजे शूटिंग करके आती थी वो बोलता था सो जा जैसे दिल तो पागल है शुरू होता था तो बोलता तू देख ले बेटा तू तो कल अच्छी एक्टिंग कर लेगी ये फिल्म देखी यू विल गेट मोर एनर्जाइज्ड अमर उपाध्याय आ सच अ वंडरफुल को एक्टर आई लव हिम वेरी सिंपल बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है इट्स अ वंडरफुल को एक्टर टू वर्क विद इनफैक्ट इतने सालों से आप जानती है उनको हाँ बालाजी टाइम्स हाँ तो इस दौरान टच में थे आप दोनों नहीं 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 इट्स नाइस ना कभी हम कई और काम कर रहे हैं वो कई और काम कर हैं फिर मिलते हैं फिर चढ़ते हैं फिर मिलेंगे एनी थॉट्स ऑफ़ मतलब क्या आई एम सो हैप्पी कि जो रोल उसने किया और जो रोल अभी कर रहा है जमीन आसमान का अंतर है एंड ही वाज परफेक्ट देन ही इज परफेक्ट इन डोरी आल्सो क्या बात है एकता कपूर एकता कपूर द पर्सन ही नहीं था तब वो सामने से आई आपके पास? हाँ, कहीं किसी रोज में वो खुद आए थे मेरे पास और मैं कंफ्यूज थी कि कौन सा रोल के लिए मुझे बुलाया बिकॉज रमोला सिकन तो मैंने सोचा ही नहीं था oh. तो मुझे लगा हीरोइन के लिए बुलाया है तो मैं बोली मैंने कहा रोल मेरा है तो बोलता है

होना है तब तब वो वो होता है उस टाइम पे शायद मेरा वहाँ होना लिखा हुआ था शायद उस टाइम पे एकता कपूर ने मुझे कांटेक्ट किया शायद किसी रोज़ बनना तय था वहां से रमोला तय था और वहां से एक नई जर्नी की शुरुआत होना तय था तो थिंक। you, क्या सुना तो रूमर ही नहीं आया बोल रही है, रूमर है। आज के जमाने में तो रोज निकलना चाहिए नेबर के साथ रूमर आ रहा है आप

नहीं चाहे पागल है क्या एक को लेके बच पछता रही हो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक्टिंग पे ध्यान दूंगी एक्स्ट्रा मैरिटल पे दूंगी या अपने पति पे दूंगी ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है नहीं पर मैं बोल रही हूँ क्यों अच्छा खासा तो चल रही हूँ इंडस्ट्री में अच्छा एक सवाल पूछना है मुझे आप जब ये एयरपोर्ट जाती है तो फोन करती हैं पेपराजी को मुझे फॉलो करो बहुत होता है कोई कोई टॉयलेट जाता है तो वो पेपराजी लोग जो बहुत मेहनत करते हैं इज्जत करता हूँ तो आप करती है क्या ये सब क्यों नहीं करना चाहती है कि नहीं करते हो अरे सच में बोल रहा हूं ऐसा होता है क्या कि चार बजे की फ्लाइट है अरे चार बजे खुद उठ के जाना मुश्किल है मैं पेपराजी को फोन करूंगी क्यों नहीं करती आप अब तो ये तो ये सब सिस्टम मुझे, है। मुझे नहीं करना है अच्छा नहीं करना है मैं खुश हूँ सक्सेसफुल हूँ अच्छे खासी चल रही हूँ भैया मुझे शांति से जीने दो <laughs> प्लीज हाँ आप पेपर के लिए मैं मेकअप करूँ हेयर ड्रेस करूँ भैया मेरे हिसाब से ना हो पाए एक लुक होता है ना आप लोग यहाँ कैसे हाउ कम इतनी जल्दी कैसे <laughs> और बाद में किसी आवाज अरे मैडम पेमेंट बचा हुआ पिछले पोस्ट के लिए पैसे दिए नहीं आपने अच्छा ऐसा भी होता है आ आ आ, आ जाती जा मैडम पैसा बचा हुआ पिछले पोस्ट के लिए बोलती ऐसा कहो आंतला अच्छा <है> भाई ठीक <laughs> है यार सब कमाए सब मेहनत करें थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सुदाचंद्रार दिन आ दिन दातारिया अरे बैठो तूने कहा